अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रिया कहानी सेंटर में मैं आपका वेलकम करती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाहर हवाएं जोर पकड़ रही थी और अंदर उसका दिल किसी सहमे बच्चे की तरह अंदेशों को झटक रहा था। उसने अपने कमरे की खिड़की से पर्दा खिसकाया, बाहर नीम अंधेरा हो रहा था। उसे गर्द उड़ती हुई दिखाई दी, हवा बेरहमी से चीज़ों को यहाँ वहाँ पटक रही थी। उसने पर्दा दोबारा बराबर किया, दुपट्टा सेट किया, चेहरे पे परेशानी के आसार नुमाया थे। थके थके कदम उठाती साथ वाले कमरे तक गई, हल्की सी दस्तक देकर अंदर चली गई। अंदर तकिए के साथ टेक लगाकर बैठी निगार बेगम ने एक सरसरी निगाह उसके चेहरे पे डाली। वो चेहरे से फिक्रमंद लग रही थी। क्या हुआ है जरी, क्यों परेशान है, उन्होंने नाक चिढ़ाकर पूछा। वो अम्मा जान बाजार गई थी, अभी तक वापस नहीं आए, बाहर मौसम भी ख़राब हो गया, उसने फिक्रमंदी से कहते हुए खिड़की से बाहर देखा जहाँ हवाएं जोर पकड़ के आंधी की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। हाँ, हमने जहाँ आरा को फ़ोन किया था लेकिन उसका नंबर बंद था, उन्होंने आम से लहजे में कहा तो जरी का दिल मज़ीद घबरा गया। उसे पता था कुछ भी हो जाए वो अपना नंबर नहीं बंद करती थी, और वैसे भी मौसम ख़राब है, कहीं रुक गई होगी, थोड़ी देर के लिए आ जाएगी। उन्होंने उसे बहला के जैसे जान छुड़ानी चाहे वो मरे मरे कदमों से जाने लगी। जब रानी उजलत से कमरे में आई और ऐती ही जरपाश से टकराई, जरपाश ने खुद को बामुश्किल संभाला। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में उसने देखा रानी धुआं धुआं चेहरे के साथ उसके सामने खड़ी थी। जरी को यूं अपने सामने खड़ा देख के वो उससे लिपट गई। जरपाश के दिल को यकदम कुछ हुआ, जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। कुछ गलत होने के एहसास ने उसके सोचने समझने की सलाहियतें मफलूज कर दी। निगार बेगम यकदम उसके करीब आई। क्या हुआ रानी, सब खैरियत तो है, वो हुई खरे परेशान लहजे में उससे पूछ रही थी। जरपाश जहां आरा जी नहीं रही, उसने रोने वाली आवाज़ में कहा। जरी बिल्कुल हैरान परेशान हो गई, ऐसे जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा उसके कानों में अंडेल दिया है। बाहर बिजली ज़ोर से कड़की और छमछम मीना बरसने लगा, जैसे वो किसी ऐसे ही खबर के इंतज़ार में था। निगार बेगम ने बेयकीनी से रानी को देखा, ये कैसा मजाक है। वो रानी को पड़े धकेल के कुछ ऐसे ज़ोर से धाड़ी कि कोठे के दरो दीवार लड़ उठे। सब तवायफी अपने हुजरों से निकल के निगार बेगम के कमरे की तरफ भागी। यकदम पूरा कोठा रोशन हो गया था और जरपाश की हालत गैर हो रही थी, हर आंख अश्क बार थी। क्या हुआ है जहां आरा को, इतने सालों का साथ था, वो उनका एक्सीडेंट हुआ, वो बामुश्किल बोल पाई, फिर रोने लगी। वो मुलाजमा खास थी जहां आरा की, ये क्या बकवास है। हाँ, उसने पास खड़ी मुलाजमा को धकेला और संजीदगी से बोली और आंसू पोंछते हुए लड़खड़ाई, जरी बीबी यही सच है, उसने पल्लू से आंखें साफ करते हुए रोनती हुई शक्ल में कहा। बकवास बंद करो, सुना तुमने, वो मार्केट तक गई हैं, अभी वापस आ जाएंगी, फिर मैं सबकी शिकायत लगाऊंगी। ये कैसे सब मुझे परेशान कर रहे थे, वह सबको सुनाते हुए मुँह मसोर के बैठ गई। निगार बेगम ने नम आँखों से उसे देखा था। उसी लम्हे किसी के कदमों की चाप सुन के सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे, सब ने सर उठाने की जहमत नहीं की थी। निगार बेगम, डेड बॉडी आ गई है, आप कफन दफन के इंतजाम देख लें एक नज़र। ठहरे हुए लहजे में उसने एक नज़र बेड पे बैठे जरपाश को देखा था। ये अल्फाज सुनते ही वो जज्बाती कैफियत में उठी थी। ये क्या बक रहे हो तुम, हाँ तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें करते हो, उसने आगे बढ़कर उसका गरेबान पकड़ लिया। वो नहीं मर सकती, सुना तुमने, उन्होंने कहा था कि वो वापस आएंगे और तुम कह रहे हो डेड बॉडी, उसने आपकी बात चिल्ला के सख्ती से कहा था। जरी मेरी बात सुनो, उसने नरमी से कहते हुए उसे दोनों हाथों से थामा। उसने उसका हाथ जकड़ दिया, हटो पीछे, मैं तुम्हारी अब किसी बात में नहीं आऊँगी, तुम ही हमारे दुश्मन हो, हमें कुछ नहीं देख सकते, अब झूठी कहानियाँ कर रहे हो, उसने इसी तरह उसका गरेबान पकड़ते हुए तरक के कहा। आंखें खुश्क थी, नहीं मर सकती, वो नहीं मर सकती, वो चिल्ला रही थी और वहाज से उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। उसने उसे शानों से पकड़ के एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर झड़ दिया। माहौल में सुकूत छा गया और गाल पर हाथ रख के बेयकीनी से उसे देखने लगी। मर गई है वो, अब वापस नहीं आएंगी, बाहर लाश पड़ी है उनकी, संभालो खुद को, होश में आओ।
अल्तिया लहजे में कहते हुए उसे शानों से पकड़कर झंझोड़ा था। उसने एक नज़र वहाज को देखा था, फिर उसके सीने के साथ जा लगी थी। अम्मा जान छोड़ के चली गई मुझे, उसने कांपती हुई आवाज़ में किसी सहमे हुए बच्चे की तरह कहा। वो उसके रेशमी बालों पर हाथ फेरते हुए उसे किसी बच्चे की तरह बहला रहा था। बाहर बारिश अभी भी बर्फ रफ्तारी के साथ जारी थी और अंदर उसकी आंखें बरस रही थी। इस नावल का अगला हिस्सा मेरी अगली वीडियो में, और अगर आपको मेरा ये नावल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।